राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति एस एन सिंह रहे। इस मौके पर प्रांत प्रचारक सुभाष जी ने रक्षाबंधन उत्सव में आए संघ से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन उत्सव समाज की समानता और समरसता का पर्व है। रक्षाबंधन उत्सव के द्वारा हम एक दूसरे की रक्षा का शपथ लेते हैं। क्या धनी, क्या गरीब, क्या उच्च, क्या निम्न, क्या व्यवसायी, क्या धनपति, सभी एक दूसरे की रक्षा का व्रत लेते हैं। जो धनवान है धन से समाज की रक्षा करेंगे, जो बुद्धिमान है वो बुद्धि से समाज की रक्षा करेंगे, जो बलवान है वो बल से समाज की रक्षा करेंगे। इसी बात का व्रत इस पवित्र रक्षाबंधन के दिन हम भी लेते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। हमने कितनी महान संस्कृति दी थी कि अगर रास्ते पर जा रहा है तो लोग अपने बच्चों को बताते थे कि चींटी को मारो मत, उसके ऊपर आटा डालते, अर्थात चींटी के मारे। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे और याद बोलते ऋषि भरद्वाज को कथा सुना रहे, और कथा सुनाते समय पार्वती ने पूछा शंकर भगवान से कि सारे देवता और देवासुर संग्राम के समय आप देवताओं के साथ थे, तो देवता भगवान विष्णु को ढूंढ रहे थे, तो उस समय कैसे मिले भगवान विष्णु? तो पार्वती माता का भगवान भोलेनाथ बताते, क्या बताते हैं? उस पंचायत के अंग्रेजों की संस्कृति चलती थी, सब पहनते थे, क्या पहने पता नहीं चल रहा है, सब एक दूसरे को देख देख करके हंस रहे हैं, विद्यार्थी भी उनको देख के हंस रहा है, क्या पहने हैं, किसका नजर क्या है? आप इसके समर्थन में बोल रही हैं? तब तक जहां पर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे उनके पीछे एक पुस्तक रखी थी, पुस्तक क्या था? आरोग्य शास्त्र था। तो मैंने कहा निकालो, तो जैसे निकाला वैसे पहला अध्याय उसका यही था, स्वस्थ कैसे, पहला अध्याय यही था स्वस्थ कैसे। आध्यात्म का बहुत सुंदर समझ है,